लर्नर्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश वर्ड्स रॉन्गली रिटेन एज वन वर्ड, इंग्लिश वर्ड्स रॉन्गली रिटेन एज वन वर्ड गलती से मिलकर लिखे अंग्रेजी शब्द, गलती से मिलकर लिखे अंग्रेजी शब्द। अगर आप भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को देखें और अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें। तो पहले क्या है इनकरेक्ट और फिर क्या है करेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट। तो सबसे पहले क्या है परसेंट, परसेंट अक्सर आदमी ऐसे ही लिखते हैं लेकिन यह गलत है। परसेंट कैसे लिखाएगा, पर उसके बाद सेंट, परसेंट का हिंदी होता है प्रतिशत, प्रतिसैकड़ा, फीसदी, परसेंट, प्रतिशत, प्रतिसैकड़ा, फीसदी। नेक्स्ट है इन वेन, इन वेन दोनों एक साथ यहाँ पे है लेकिन एक साथ नहीं हुआ, ये अलग अलग हुआ। इन उसके बाद वेन, इन वेन का हिंदी होता है व्यर्थ में, बेकार, निरर्थक, व्यर्थ में बेकार, इन वेन। नेक्स्ट है इंस्पाइट ऑफ, अगर आप इंस्पाइट ऑफ ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, इसका सही होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का हिंदी होता है के बावजूद, के विरुद्ध, तथापि, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का हिंदी होता है ऑफ कोर्स, अगर आप ऑफ कोर्स एक साथ लिखते हैं तो ये गलत है, ऑफ कोर्स भी अलग अलग लिखाएगा, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का हिंदी होता है बेशक, जरूर, ऑफ कोर्स का हिंदी होता है बेशक, जरूर। नेक्स्ट वर्ड है ऑल राइट, ऑल राइट अगर आप एक साथ लिख रहे हैं अभी 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 तक तो ये गलत है, ऑल राइट एक साथ नहीं होगा, ऑल राइट अलग अलग होगा, ऑल राइट, ऑल राइट का हिंदी होता है ठीक है, दुरुस्त, ऑल राइट ठीक है, दुरुस्त। फिर क्या है इनकरेक्ट और करेक्ट, इनकरेक्ट करेक्ट। तो फिर अगर आप एट ऑल ऐसे लिखते हैं तो ये गलत है, एट ऑल एक साथ नहीं होगा, एट अलग होगा, ऑल अलग होगा, एट ऑल, एट ऑल का हिंदी होता है बिल्कुल, पूर्णतया, एट ऑल बिल्कुल, पूर्णतया। नेक्स्ट है एटलीस्ट, एटलीस्ट अगर आप एक साथ लिखते हैं एटलीस्ट तो ये भी गलत है, एटलीस्ट अलग अलग हुआ, एट लीस्ट, एट लीस्ट का हिंदी होता है कम से कम, एट और फिर लीस्ट, कम से कम, अलग अलग लिखाएगा एटलीस्ट। नेक्स्ट है एट वंस, अगर आप भी एट वंस एक साथ लिखते हैं तो ये गलत है, एट वंस एक साथ नहीं लिखाता है, एट अ वंस अलग, एट अलग लिखाएगा, वंस अलग लिखाएगा, एट वंस का हिंदी होता है तुरंत, फौरन, एकाएक, एट वंस तुरंत, फौरन, एकाएक। नेक्स्ट वर्ड है कुड नोट, अगर कुड नोट आप एक साथ लिखते हैं तो ये भी गलत है, कुड नोट एक साथ नहीं लिखाया, कुड नोट अलग अलग लिखाया, कुड नोट, कुड नोट का हिंदी होता है नहीं शका, नहीं शका। नेक्स्ट है ऑलराउंड, ऑलराउंड का हिंदी होता है चारों ओर, इर्द गिर्द, लेकिन अगर आप ऑलराउंड एक साथ लिखते हैं तो ये गलत है, ऑलराउंड भी अलग अलग लिखा है, ऑल फिर राउंड, ऑलराउंड, ऑलराउंड का हिंदी होता है चारों ओर, इर्द गिर्द, ऑलराउंड चारों ओर, इर्द गिर्द। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।